हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए, आज बनाते हैं हम घुइयां और गोश, यानी कि घुइयां का सालन। तो उसके लिए हमने ये सामान ले लिया है। ये हमने गोश ले लिया है 250 ग्राम, 250 ग्राम घुइयां ले ली है, एक प्याज मीडियम साइज की हमने कट कर ली है स्लाइस में, दो प्याज हमने पीस के रख ली है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 बड़े चम्मच। अब देखिए, ये हमने छोटी इलायची ले ली है 7-8, ये है जौत्री थोड़ी सी, काली मिर्च 30 पत्ते ले लिए हैं, लौंगे ले लिए 5-6, ये छोटा सा जायफल का टुकड़ा है, बहुत ज़रा सा एकदम छोटा सा पीस लेना है, और ये बड़ी इलायची है 3-4, ये दालचीनी की छोटी सी लकड़ी है, और सूखे मसाले जब हम डालेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना घुइयां और गोश। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने गैस के ऊपर कुकर चढ़ा दिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। हम सरसों के ऑयल में बना रहे हैं। अब ऑयल को हम एकदम से गरम कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, हमने प्याज को ब्राउन तल के निकाल लिया है अलग प्लेट में। अब इसी तेल में हम गोश्त को डाल देंगे। और 2 प्याज को पीस लिया था हमने, उसको भी डाल देंगे। चला लेंगे इसको। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। अब देखिए, सूखे मसाले हम डाल देते हैं अदरक लहसुन और प्याज डालने के बाद। 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर है, और एक चम्मच पूरा हल्दी है, एक छोटा चम्मच, हल्दी ज़्यादा पड़ती है इसमें, और एक छोटा चम्मच मिर्च है, और ये नमक है, इसको डाल देंगे। अब थोड़ा सा इसको भूनेंगे, हल्का पानी डाल के मसाले सब भून लेंगे गोश्त के साथ। देखिए फ्रेंड्स, हमने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल दिया था, उसके बाद हमने इसमें सूखे मसाले डाल दिए हैं, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और मैं एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और नमक डाल दिया है। अब इसको मसालों को सबको अच्छे से थोड़ी देर भून लेंगे, हल्का पानी डाल दिया हमने, अब इसको भून लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़े खड़े गरम मसाले डालेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे इसको। भून लिया इसको अच्छी तरह से। अब इसमें 4 छोटी इलायची डाल देंगे, 2 बड़ी इलायची डाल देंगे, और 30 पत्ते डाल देंगे, और दालचीनी की लकड़ी डाल देंगे, 4 लौंगे डाल देंगे। बस इतना सामान डालना है, और थोड़ा सा हमने रोक लिया है। इसको तली हुई प्याज के साथ मिलाकर पीस लेंगे, फिर ऊपर से डालेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे, गोश्त जितने में गलता है उतना पानी डाल के सीटी लगा लेंगे इसमें। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, गोश्त गलने भर का पानी डाल देंगे, और उसमें सीटियां लगा लेंगे। 2 सीटी तेज आंच पे लगाएंगे, उसके बाद धीमी आंच करके
उसके बाद 10 मिनट पकने देंगे इसको। चलिए अब हम इसको इसका नीट लगा देते हैं और सीटी आने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने जो फ्राई करी थी प्याज, इसको ये गरम मसाले के साथ मिलाकर पीस लेंगे। काली मिर्चे है और ये है जौतरी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंगे, छोटी सी जौत है और ज़रा सी मतलब जायफल, इसको तली प्याज के साथ मिलाकर पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, गोश्त हमारा गल गया था। अब हमने कुकर की सीटी खुल गई थी तो हमने खोल लिया। अब हम इसको भूनेंगे। एकदम गल चुका है गोश्त, में एकदम गल गया है। अब इसमें हम घुइया डाल देंगे। घुइया को हमने छील लिया था और इसके बीच में कट लगा के रख लिया था, इसको इसी में डाल देंगे। अब घुइया डाल के इसको भूनेंगे, इसी के साथ गुइया के साथ भूनेंगे तो गुइया के अंदर अच्छे से फ्लेवर चला जाएगा। इसको तेज आंच पर भूनना है गुइया के साथ। जब सारा पानी सूख जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तब इसमें फिर से थोड़ा सा पानी, जितना सालन आपको रखना है रख के डाल के उसके बाद फिर गुइया गलने के लिए 2-3 सीटियां लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा गोश्त जो है भुन गया अच्छी तरह से, इसके ऊपर से ऑयल निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का ऑयल उतार कर अलग कर एक बर्तन में निकाल के रख देंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि पानी डालेंगे फिर इसको गुइया को गलाएंगे तो इसका तीरा उड़ जाता है। तो पहले ऊपर से ऑयल निकाल के इसको कटोरे में रख लेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब हम आपको जितना जितना भी उसमें सालन रखना है उतना पानी डाल दीजिए और नमक चख लीजिए इस टाइम। अभी थोड़ा और डालेगा पानी। और इसके साथ ही ये छन्ना हमने इस पे रख दिया, जो तली हुई प्याज और गरम मसाला हमने पीसा था इसको छान कर इसी में डाल देंगे। चलिए हमने पानी डाल दिया, अब हम घुइया को भूनने के लिए रखते हैं। इसमें हम 3 सीटियां लगा लेंगे, गुइया गला लेंगे। तो चलिए सीटी होने देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी गुइया गल चुकी है अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से गुइया गल गई है। अभी सालन तैयार है, लेकिन इसमें अभी हमको कुछ चीज़ें डालनी है, जैसे कि ये लज्जते ताम, देखिए नहारी का मसाला जो मिलता है बाजार में, इसको डालना है लास्ट में बिल्कुल। और हरा धनिया डालेंगे और केवड़ा डाल देंगे। उसके बाद हम ये सब डालने के बाद आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें नहारी का मसाला डाल दिया है, लज्जते ताम। अब हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे ऊपर से, थोड़ा खट्टापन अच्छा लगता है हल्का सा। इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको, बहुत ही यमी सालन तैयार हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा गुइया और गोश्त का सालन बनकर तैयार हो गया मज़ेदार सा। अब इसके ऊपर से हम हरा धनिया डाल देते हैं। बहुत ही यमी सालन, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
आप भी मेरी तरह से बनाइए, बहुत अच्छा बनता है बिल्कुल नहारी की तरह। और फिर हमको बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका सालन कैसा बना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।